आज हम जा रहे हैं सरायखेत। ये है हमारे किशोर भाई और ये है जगत सहर और ये हमारे मुकेश भाई और ये हमारी टीम आ गई है। खाल से मरचुला से मोले खाल आपकी टाइम टाइम की अपडेट आपको देते रहेंगे। ये चले गए हमारे मुकेश भाई और अब हम चलते हैं अपनी आरएस लेके। बिल्कुल एकदम मक्खन रोड है। सुहाना सफर हो गया। आज लॉकडाउन खुल गया है, शाम तक 5 बजे तक आज मार्केट खुली रहेगी। ठंडी ठंडी हवा चल रही है एकदम बिल्कुल। आप देख सकते हो ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है यहाँ और मौसम भी बहुत बढ़िया। हमने प्लान बनाया था कि जिस दिन लॉकडाउन खुल जाएगा उस दिन एक दिन घूमने जाएंगे, तो आज हम लॉकडाउन खुल रखा है तो आज हम निकल रहे हैं घूमने के लिए। देख सकते हो आप ग्रीनरी। ये है कटपतिया, इसको कटपतिया कहते हैं। और यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे किनगोड़ी खाल और सामने जाएंगे सरायखेत। रोडों पर सन्नाटा की बजाय 2-3 चीज़ें हैं। एक तो लॉकडाउन और दूसरे जो हमारे पहाड़ों में पलायन हुआ है, तो इसका जो आप देख सकते हो जो सन्नाटा है ये पलायन का ही नतीजा है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ की कटिंग में देखा था कि हमारे उत्तराखंड राज्य में कम से कम 4,000 गांव ऐसे हो गए हैं जिन गांव में एक आदमी भी नहीं है और 3800। इसमें सबसे बढ़िया इसका जो जिस राज्य है वो है उधम सिंह नगर। इसमें कम से कम अभी प्लान जो हो चुका है वो कम से कम 4,000 लोगों का प्लान हो चुका है। मैं रुद्रपुर वालों उधम सिंह नगर वालों को देना चाहता हूँ, क्योंकि जो प्लान उन्होंने रोका है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। क्योंकि ये पहाड़ों में अगर कोई नहीं रहेगा तो एक कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा कि ये सब कुछ बंजर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ टूरिस्ट का आना भी बंद हो जाएगा और क्या पता कोई और देश के भी आदमी यहाँ कब्जा भी कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई आदमी कहीं रहेगा ही नहीं, किसको क्या पता
जब तक आदमियों का ये मूवमेंट नहीं होती तब तक तो समझ लो कि बाहर का कोई है पता ही नहीं चलेगा। जिसने भी ये रोड बनाई है मैं उसको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उसने इतनी बढ़िया रोड बनाई, एकदम मक्खन रोड है, आप देख सकते हो कहीं पर कोई गड्ढा नहीं। आपको अभी कुछ गांव दिखाएंगे जो इतने बढ़िया बढ़िया हैं कि पूछे। जयराज, ये जयराज गांव है। लॉकडाउन की वजह से बसें यहीं पर ही खड़ी हैं, ये अपने रूट में आई हुई कभी रूटीन में और ये बसें यहीं खड़ी हैं। अब देखिए लोकेशन कितनी ज़बरदस्त है, इससे भी बढ़िया और नज़ारा दिखाएंगे हम अभी आपको। ये अगर 100% है तो हम आपको 200% और बढ़िया दिखाएंगे। दुदोड़ी गांव है, दुदोड़ी आ गया है और 17 किलोमीटर रह गया यहाँ से सरायखेत। ये देखिए टूरिस्ट रिजॉर्ट बने हैं यहाँ ऊपर, कभी आप इधर आना चाहें तो यहाँ रहने की बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। सामने देखिए गांव कितने बढ़िया बढ़िया दिख रहे हैं। बोले
धुंध देख रहे हो? ये धुंध नहीं, ये कोहरा नहीं है, धुएं से हो रखा है। हमारे इधर पहाड़ों में क्या है, चीड़ के जंगल हैं। अगर मान लो किसी ने बीड़ी पी के या मार कुछ तिल्लियाँ ही फेंक दी तो इसमें क्या होता है, चीड़ में जल्दी आग लग जाती है। इस वजह से धुआं जो आप देख रहे हो, ये धुआं उसी का ही है। ये कोहरा जैसा दिख रहा है, तो ये देखिए आप। मैंने आपसे कहा था कि आपको मैं बहुत बढ़िया नज़ारा दिखाऊंगा। देखिए क्या मस्त सीन है यहाँ। ये देखिए कितना बढ़िया घर बना रखा है। सारे शटरों पे ताला लगा है। ये जगह का नाम चित्तौड़ खाल है, या तो इनको पता नहीं है कि आज लॉकडाउन खुल गया है आधा शाम 5 बजे तक। ठंड लग रही है, पता नहीं कुदरत का क्या क्या नजारा हुआ है। मंदिर कितना जबरदस्त बना रखा है। पहाड़ों में प्लान आप देख सकते हो कि हो चुका है बहुत, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बिल्कुल जीरो है। इक्के दुक्के आदमी कहीं कहीं पे दिख जा रहे हैं बड़े मुश्किल से, नहीं तो ये जिस हिसाब से वे गांव हैं, कम से कम 100-100 मवासी के गांव हैं। कुछ ही लोग घर में हैं, 10-20% लोग घर में हैं, बाकी के सब शहरों में चले गए। इको खेत आ गए हैं हम। और भीड़ भाड़ यहाँ बहुत ही कम है।
ये देखिए, ये है TRC टूरिस्ट रिसोर्ट है, जो ये गवर्नमेंट का है। हमारे भाई लोग ये कुछ खेतों में से आ रहे हैं, आजकल मंडुआ लगाने का काम चल रखा है, मंडुआ रुपाई का। बहुत टेस्टी रोटी होती है इसकी, मंडुए की, और डायबिटीज के लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और ये जो आप देख रहे हो पूरे ऑर्गेनिक खेती है, इसमें कोई तरह का क्या था केमिकल यूज नहीं करते। देखिए जन्नत है, बिल्कुल यहाँ जन्नत एकदम। घर देख रहे हैं, ये पत्थरों के होते हैं, ये वातानुकूल वाले हैं, इनमें सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंड होती है इन घरों में। यहाँ पंखे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देख रहे हैं पत्थरों के मकान है, सब बहुत ही बढ़िया मकान ये होते हैं। इसके अंदर आपको ना एसी लगाने की ज़रूरत है, ना पंखा लगाने की, ना कूलर लगाने की। ये बहुत ये वातानुकूल वाले घर हैं। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं खेतों में। ये देखिए गाड़ी पे आग लग गई है शायद। बोलो हम फोन का उन्होंने कहा आजका दिन ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में चले गए होंगे। जीते जी,
कह रहा हूँ हम पहुँचने वाले हैं सरायखेत, और यहाँ से जो आज की जर्नी है फिर भी यहाँ से 100 किलोमीटर की और है। ये है सरायखेत, ब्रेकर का ध्यान नहीं दिया मैंने, और वहाँ पे बहुत ही तकड़ा ब्रेकर बना रखा है।